फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे मंथली करंट अफेयर्स फरवरी 2024 के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़, फिर हम देखेंगे कुछ बैंकिंग न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर वन इज़, इंडिया हैज़ रिसेंटली एडेड 5 मोर वेटलैंड्स टू इट्स लिस्ट ऑफ रामसर साइट। What is the total number of Ramsar sites in India now? तो at present India के अंदर कितनी Ramsar sites हैं total? तो ये हैं 80। तो कौन सी नई add हुई हैं? तो ये सब आपको दी गई हैं जो नई add हुई हैं, जैसे मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अनकनसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व एंड अगन शिनी एस्चुरी फ्रॉम कर्नाटका। तो ये वाली साइट्स हुई हैं कर्नाटका से ऐड, और तमिलनाडु से कौन सी हुई है? कराईवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये दो तमिलनाडु से ऐड हुई हैं और टोटल काउंट हो गया है 80। रामसर कन्वेंशन हुई थी, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और फोर्स में कब आई थी ये? 1975 में। ठीक है, इंडिया इज़ अ पार्टी टू रामसर कन्वेंशन। इंडिया ने इसे साइन किया था 1 फरवरी 1982 को, और फरवरी 2 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया के अंदर? तो वो है सुंदरबन। रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश इज़ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया। चिलिका लेक जो कि ओडिशा के अंदर है, केओलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है, ये इंडिया की पहली रामसर साइट रिकॉग्नाइज की गई थी। वर्ल्ड की पहली रामसर साइट आइडेंटिफाई की गई थी 1974 को, जिसका नाम क्या है? कोबोर पेनिनसुला, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में। तमिल सुपरस्टार विजय हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ तमिलग वेत्री कजागम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। विजय विल कॉन्टेस्ट 2026 असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु व्हेन द करंट टर्म ऑफ एमके स्टालिन लेड डीएमके पार्टी एंड्स। तो ये 2026 में असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे। ठीक है, द तमिल मूवी सुपरस्टार इज फोंडली कॉल्ड बाय हिज फैन एज थलापैथी, मीनिंग जनरल और कमांडर। नेम द वीमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट इज स्केड्यूल टू फ्लाई इन टू स्पेस इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024। तो इनका नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम है व्योम मित्रा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दिस विल बी द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन मैन स्पेस फ्लाइट कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट इन टू स्पेस। द अनक्रूड व्योम मित्रा मिशन इज स्केड्यूल्ड फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024, वाइल अ मैंड मिशन गगनयान इज टू बी लॉन्च्ड इन 2025। तो देखिए, जो मैंड मिशन है गगनयान, ये लॉन्च किया जाएगा 2025 में, और जो आपका व्योम मित्रा जो कि रोबोट जाएगी आपकी, तो ये जाएगी 2024 में। ठीक है, द फर्स्ट ब्रेन चिप इन ह्यूमन हैज़ बीन इम्प्लांटेड बाय विच कंपनी। तो कौन सी कंपनी ने इसे किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूरालिंक। ऑप्शन डे इज़ द राइट आंसर। एलन मस्क की जो न्यूरालिंक ये स्टार्टअप है, इन्होंने पहला ब्रेन चिप इम्प्लांट किया है ह्यूमन पेशेंट के अंदर। एम क्या है इस इम्प्लांटेशन का? इन्हांस कर सके ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को, और ट्रीट कर सके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, जैसे कि ALS और पार्किंसंस है। इंडिया सिक्योर्ड विच पोजिशन इन द ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। तो इंडिया का क्या रैंक आया है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में? तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर ए, दैट इज 93। डेनमार्क है फर्स्ट पोजीशन में फॉर द 6 कंसेक्टिव ईयर। पिछले 6 साल से डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। फिनलैंड और न्यूजीलैंड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में है। ठीक है, तो सबसे जहाँ पे आपको बिल्कुल करप्शन नहीं देखने को मिलेगा वो कंट्री आपकी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन January 2024 विच राइड हेलिंग कंपनी लॉन्च्ड ई बाइक बिजनेस इन दिल्ली एंड हैदराबाद। तो किसने लॉन्च किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज ओला। ओला ई बाइक फेयर स्टार्ट फ्रॉम ₹25 फॉर 5 किलोमीटर, ₹50 फॉर 10 किलोमीटर एंड ₹75 फॉर 15 किलोमीटर। कंपनी डिप्लॉय करेगी 10,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन बोथ सिटीज इन द कमिंग मंथ्स। 2024 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द डैश बाय द इंडियन नेवी। तो कौन सा ईयर डिक्लेयर किया है इंडियन नेवी ने? तो ये किया है ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इट हैज़ बीन डिक्लेयर टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड वेलफेयर ऑफ नेवल सिविलियंस बाय एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलियन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर. द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट द वायुशक्ति 2024 एक्सरसाइज इन विच सिटी ऑन 17th of February. तो जो वायुशक्ति आपकी एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करवाई जाती है, तो ये कहाँ पे देखने को मिली थी? जैसलमेर के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर है. इंडियन एयरफोर्स विल कैरी आउट वायु शक्ति, गगन शक्ति एंड तरंग शक्ति एक्सरसाइजेस. इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट द मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति एट पोखरण रेंज इन जैसलमेर. एयर टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इंक्लूडिंग MICA R-73 समर एंड आकाश विल शो देयर फायर पावर. रिसेंटली UPI हैज़ बीन लॉन्च्ड एट, तो कहाँ पे लॉन्च किया है इसे? आईफल टावर में. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. इट वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड एट अ रिपब्लिक डे रिसेप्शन हेल्ड इन फ्रांस. इंडियन टूरिस्ट कैन नाउ बाई टिकट्स फॉर द आईफल टावर वाया UPI. तो जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो आईफल टावर की टिकट्स ले सकते हैं UPI को यूज़ करके. फ्रांस हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट UPI. तो पहली यूरोपियन कंट्री जो बनी है जिन्होंने UPI एक्सेप्ट किया है वो है फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच एज ग्रुप डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ प्रपोज्ड टू एनकरेज वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर. तो कौन से एज ग्रुप के लिए किया है इन्होंने ये? तो ये किया है 9 to 14 ईयर्स के लिए. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनोग्रेटेड द कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 इन न्यू दिल्ली. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए. तो ये इसका इनोग्रेशन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. थीम क्या है इस बार का? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी. दिस कॉन्फ्रेंस हैव पार्टिसिपेटेड ऑफ अटॉर्नी जनरल्स एंड सोलिसिटर्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ नेशंस स्पेनिंग द एशिया पैसिफिक अफ्रीका एंड द कैरेबियन अलॉन्ग विद वेरियस इंटरनेशनल डेलीगेशंस. तो इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. तो क्या है? तो ये है आपकी अभ्यास. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. फ्लाइट ट्रायल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर इन ओडिशा. Various parameters like required endurance, speed, maneuverability, altitude and range were successfully validated during the flight trials. Who has secured the second rank in the Brand Guardianship Index 2024? तो second rank किसका आया है इसमें? तो ये आया है मुकेश अंबानी का. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. फर्स्ट पे कौन है? तो ये है हुए तेंग मा ऑफ चाइना बेस्ड Tencent with a BGI score of 81.6 and secured the first position. India's first hyper velocity expansion tunnel test facility has been deployed by. तो ये किसने की है? IIT कानपुर. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्रस अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर. तो इन्होंने टारगेट सेट किया है 25,000 जन औषधि केंद्रस ओपन करने का. कब तक किया है? तो ये किया है मार्च 2026 तक. इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी. यहाँ पे जो प्राइजेस रहेंगे मेडिसिन की वो जनरली 50 to 90% लेस होंगे देन दैट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन प्राइजेस. इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन विच सिटी. तो ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए. फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड बाय यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी एट द सलर जंग म्यूजियम इन हैदराबाद. इन फेब्रवरी 2024 विच स्टेडियम हैज़ बीन रीनेम्ड एज द निरंजन शाह स्टेडियम. तो किसका रीनेम किया गया है? तो इसका नाम क्या था? तो ये किया गया है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल सारथी. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस. तो ये इसकी फुल फॉर्म है. एम क्या है?
हेल्प करेगा इंश्योरेंस कंपनीज को, ताकि वो रीच आउट कर सके, पहुंच सके फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन के पास विद टेलर्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाटा ट्रस्ट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच सिटी. तो ये देखने को मिलेगा आपको मुंबई के अंदर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एम क्या है? सेव कर सकें किसकी लाइफ? पेट्स की. एंड स्ट्रेंथन कर सकें बॉन्ड बिटवीन पेट पेरेंट एंड वेटरिनेरियंस. हॉस्पिटल कहाँ पे देखने को मिलेगा? महालक्ष्मी मुंबई के अंदर. विल बी अ 5 फ्लोर 98,000 स्क्वायर फुट फैसिलिटी और यहाँ पे 200 बेड्स की फैसिलिटी देखने को मिलेगी. इन फेब्रवरी 2024 हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बिन साइंड बाई ADB टू टैकल द फ्लड एंड इरोजन रिस्क अलॉन्ग ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये इन्होंने साइन किया है $200 मिलियन का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइस प्रेजिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनोग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यू डेली. द समिट हैज़ बिन ऑर्गेनाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कौन करवा रहा है ऑर्गेनाइज ये? एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ड्राइव द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट जस्टिस एट ऑल लेवल्स, एम्बेडिंग दिस प्रिंसिपल्स इन द वेरी फैब्रिक ऑफ आर सोसाइटी. तो बेसिकली ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट के लिए करवाया जा रहा है. एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करें, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1974 को. हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में. डायरेक्टर जनरल हैं इसके डॉक्टर विभा धवन. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विल होस्ट द 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इन विच सिटी. तो ये देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? लखनऊ के अंदर, और लखनऊ कैपिटल है यूपी की. ये चीफ गेस्ट जो थे यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में, वो थे श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के. वेयर एज श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि CM है यूपी के, वो चीफ गेस्ट थे एट द क्लोजिंग सेरेमनी. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो इसे फॉर्म किया गया है 1872 को. हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में. डायरेक्टर जनरल हैं इसके मनोज यादव. मोटो है इसका अटेन ऑनर. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन स्मार्ट वेयरेबल एडवांस्ड नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर ACIS स्वस्थ वॉज लॉन्च्ड बाय विच IIT टू बूस्ट द हेल्थ सेक्टर. तो ये लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने, जो कि है आसाम के अंदर. द स्वस्थ प्रोजेक्ट, इसका एम क्या रहेगा? इंटेंसिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्टार्टअप सपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेवेन्यू जनरेशन. किसने लॉन्च किया है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी. इस स्कीम के अंडर आपको क्या देखने को मिलेगा? 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू 1 करोड़ हाउसेज. With whom did Education Minister sign an agreement to promote football game in the country? तो ये इन्होंने साइन किया है FIFA के साथ. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी. Education Ministry will distribute 11 lakh football across the country in a phased manner. Union Education Minister Dharmendra Pradhan had distributed footballs in 1,260 schools in 17 districts of Odisha under the Football for Schools program. फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन. फाउंड किया गया है इसे 1904 में. हेडक्वार्टर्स हैं इसके ज्यूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर. प्रेसिडेंट है इसके जियानी इन्फेंटिनो. द स्टैचू ऑफ द लेट जनरल रावत इंडियाज फर्स्ट CDS वॉज इन अनवील्ड इन विच सिटी. तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देहरादून के अंदर, जो कि है उत्तराखंड की कैपिटल. इसको अनवील किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. जनरल रावत वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट CDS वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. एम क्या है रहेगा इसका? ताकि एजुकेट कर सके चिल्ड्रन को अबाउट द वेलर, मतलब ब्रेवरी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और उनके अंदर इनकलकेट कर सके पैट्रियोटिज्म एंड डेडिकेशन. इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज साइंड एन MOU विद विच IIT फॉर क्लीन एनर्जी इनोवेशन. तो कौन सी IIT के साथ किया है ये इन्होंने? तो ये किया है IIT भुवनेश्वर के साथ. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी.
with whom has the UP government decided to enter into an agreement for better disaster management? तो ये किया है इन्होंने साइन आईआईटी रुड़की के साथ. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि रिड्यूस कम किया जा सके किनका नंबर कैजुअलिटीज़ का, और शिफ्ट किया जाए लोगों को सेफ प्लेसेस में डिज़ास्टर से पहले. किसने इनोग्रेट किया है न्यू डिफेंस सिस्टम प्रिसीजन अप्रोच रडार? तो ये किसने किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडमिरल आर हरि कुमार. हु इनोग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड? तो ये किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने. अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री. इट विल डेलिबरेट ऑन क्रिएटिंग अ सीमलेस एजुकेशनल लैंडस्केप फैसिलिटेटिंग अकेडमिक मोबिलिटी एंड इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर स्टूडेंट्स. किसने इनोग्रेट किया है सुफलम स्टार्टअप फोरम? तो इसका इनोग्रेशन किया गया है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा. सुफलम एक स्टार्टअप है फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए. मोर देन 250 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, जिसके अंदर स्टार्टअप्स, एमएसएमईस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड अकेडमिया ने पार्टिसिपेट किया है. कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द प्रेमिसेस ऑफ कोचिन एयरपोर्ट? तो ये किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूनाइटेड अरब एमिरेट. वट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पल? तो इस टेम्पल का नाम क्या है? तो ये है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था महिंदू मंदिर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. पिंक सैंडस्टोन टेम्पल सिट्स ऑन अ 27-acre प्लॉट इन आबू धाबी, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द मिडल ईस्ट. यूए की बात करें, कैपिटल है इसकी आबू धाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मखोतम. 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 कमेंस्ड इन विच सिटी? तो ये देखने को मिली है काठमांडू, जो कि कैपिटल है किसकी? नेपाल की. थीम क्या है इसका? अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल. आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस हैज साइंड एन एमओयू विद विच आईआईटी टू प्रमोट कोलैबोरेटेड बायोमेडिकल रिसर्च? तो किसके साथ किया है? तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज आईआईटी रुड़की. एम क्या है? प्रमोट करना कोलैबोरेटिव बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्प कर सके इन इम्प्रूविंग द कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट एंड पेशेंट केयर ऑफ सर्विंग पर्सोनल. कौन से आईआईटी प्रोफेसर ने डेवलप किया है साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम? तो ये किया है आईआईटी जम्मू ने. इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो ये देखने को मिला था कहाँ पे? चंडीगढ़ में. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनसैट 3DS सैटेलाइट फ्रॉम STSC फ्रॉम श्रीहरिकोटा. इट इज़ अ टाइप ऑफ सैटेलाइट. विच टाइप ऑफ सैटेलाइट? तो ये कौन सी टाइप की सैटेलाइट है? तो ये है आपकी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट. मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट किससे रिलेटेड होती है? वेदर से रिलेटेड. ये क्या करेगी? हेल्प करेगी इन इन्हांसिंग द वेदर फोरकास्ट. इट इज़ डिजाइंड फॉर इन्हांस्ड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मोनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशन सर्फेसिस फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग. इसरो की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969. हेडक्वार्टर्स हैं इसके बेंगलोर कर्नाटका के अंदर. फाउंडर हैं इसके विक्रम साराभाई. 10th चेयरमैन हैं इसके एस सोमनाथ. इंडिया का रैंक क्या है इन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में? तो ये है 85th. टॉप पे हैं 6 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर. हु रिसेंटली इनोग्रेटेड एम्स जम्मू? तो किसने किया है इनोग्रेशन इसका? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ही ऑल्सो सेड दैट MBBS सीट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 टू 1300. और इन्होंने MBBS की सीट्स को भी इंक्रीज कर दिया है. हु हैज़ लॉन्च द सागर आंकलन गाइडलाइन फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो किसने किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सर्बनंदा सोनोवाल. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एम क्या है? बूस्ट कर सके एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव कर सके कॉम्पिटिटिवनेस. सागर आंकलन गाइडलाइन फॉर नेशनल बेंचमार्किंग ऑफ इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस विल बी इन्फोर्स्ड अक्रॉस ऑल सी पोर्ट्स इन इंडिया. गोल क्या है इनका? बूस्ट कर सके एफिशिएंसी को और कॉम्पिटिटिवनेस को.
टू डे इंडस एक्स समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी, तो ये कहाँ देखने को मिली थी, तो ये देखने को मिली थी न्यू दिल्ली के अंदर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ इनोग्रल स्किल इंडिया सेंटर इन विच सिटी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी संबलपुर ओडिशा। एम क्या है, मॉनिटर कर सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंश्योर कर सके एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड ओवरसी द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। एम क्या है, अपलिफ्ट कर सके ओवर 1200 स्टूडेंट्स थ्रू दिस इनिशिएटिव, उनके अंदर स्किल्स ला सके एंड अलाइनिंग देम विद द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज। इन फेबररी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड द विच एडिशन ऑफ रैसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली, तो ये था 9th, ठीक है, एडिशन 9th था। प्राइम मिनिस्टर ग्रीस की जो है आपकी कैरियकोस मित्सो इन्होंने ज्वाइन किया था, ये चीफ गेस्ट थी। थीम क्या था इसका, चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट, ठीक है। एट विच प्लेस हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, तो कहाँ पे देखने को मिला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक, तो ये देखने को मिलेगा अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो इसको लॉन्च किया है IIT गुवाहाटी ने, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इसे किया गया है। फर्स्ट एवर महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो इनोग्रेटेड इन विच सिटी, तो ये देखने को मिला था पुणे के अंदर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इवेंट इज सेट टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत कैंपेन एज इनविजन बाय PM मोदी। हु इनोग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु इन गुजरात द्वारका, तो इसका इनोग्रेशन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सुदर्शन सेतु फॉर्मली नोन एज द सिग्नेचर ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹979 करोड़। नेविगेट भारत पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इज़ लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। द प्लेटफॉर्म एम्पावर्स यूजर्स विद एन इंटरैक्टिव इंटरफेस फॉर सर्चिंग स्ट्रीमिंग शेयरिंग एंड डाउनलोडिंग कॉन्टेंट, स्ट्रीमलाइनिंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन टू अ सिंगल रिलायबल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ मीडिया एंड द पब्लिक, तो बेसिकली ये एम्पावर करेगा यूज़र को ताकि वो सर्च कर सके, स्ट्रीम कर सके, शेयर कर सके, डाउनलोड कर सके कंटेंट को। हु हैज़ इनोग्रेटेड भारत टेस्ट 2024 एज भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत टेस्ट 2024 इंडिया का कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट्स जो इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाया गया है, मोर देन 100 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम स्टेट, तो इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन अबू धाबी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज 13th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फ्रॉम जेफरीज इंडिया इज टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय विच ईयर, तो कौन सी ईयर तक इंडिया थर्ड नंबर पे आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 2027 तक। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ साइंड एन MOU विद विच IIT टू इन्हांस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी IIT दिल्ली। एम क्या है इसका, टू इवेल्युएट ऑप्टिमेलिटी ऑफ लोकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। यूनियन मिनिस्टर स्टेट राजीव चंद्रशेखर हैज़ लॉन्च्ड इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच IIT, तो इसको डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म इज स्टार्टअप GPT, जो कि है आपका AI बेस्ड कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म। कितने एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन नेम्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन, तो कितने एस्ट्रोनॉट्स याद जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं आपके 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन कौन है, द 4 एस्ट्रोनॉट्स आर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन,
ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला। द फोर एस्ट्रोनॉट्स हैव अंडरगोन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एट रशिया एंड द प्रोग्राम इज नाउ अंडर वे इन इंडिया एट इसरो ट्रेनिंग फैसिलिटी। गगनयान मिशन की बात करें तो इसरो का ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2025 में। इस मिशन के अंदर 4 क्रू मेंबर्स जाएंगे। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक टू बी इनोग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये देखने को मिलेगी आपको उज्जैन के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं कुछ बैंकिंग न्यूज़। विच एंटिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इट्स मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट इन ओवर 670 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ EPFO। EPFO कब फॉर्म हुआ है? 1952 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अमृत बाल इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रन, तो किसने किया है ये लॉन्च? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन है इसके सिद्धार्थ मोहंते। विच बैंक हैज़ वन 7 अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरीज इन द 19th बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2023 बाय द इंडियन बैंकर एसोसिएशन इन मुंबई, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ यूनियन बैंक। कब फाउंड किया गया है इसे? 1904 में। फाउंडर है इसके संथनम अय्यर और एस कृष्णन अय्यर। हेडक्वार्टर्स है इसके कुंभकोणम तमिलनाडु। CEO है इसके डॉक्टर एन कमगोदी। नेम द बैंक दैट हैज़ पार्टनर विद फ्लाई फायर कॉरपोरेशन टू रेवोल्यूशनाइज द लैंडस्केप ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन पेमेंट्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, तो ये किया है SBI ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, SBI को फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई। चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। विच बैंक लॉन्च्ड 4 SME क्रेडिट कार्ड फॉर एंटरप्रेन्योर्स फ्रीलांसर्स, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें, इसे फाउंड किया गया है अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में। चेयरमैन है इसके अतानु चक्रवर्ती। CEO है इसके शशिधर जगदीशन। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।